जब तक आपसे यूजर चार्जेस नहीं लिए गए थे उससे पहले जो सर्विस थी, और जब आपसे यूजर चार्जेस लिए गए उसके बाद जो सर्विस हुई है, आप खुद उस बात को मानेंगे कि यूजर चार्ज देने के बाद एक तो जो हमारा नागरिक है उसमें एक जागृति आती है, वो एनलाइटेंड होता है कि नहीं भाई मुझे इसको जो है, मैं आपको यूजर चार्जेस दे रहा हूँ साहब, मुझे तो अब आपको, मेरे पास गाड़ी नहीं आई एक भी दिन, तो आप कहते हो मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं आ रही है कि नहीं, तो इसे एक जागृति आती है। और जहाँ तक रहा जेएनके के कंटेस्ट में, 1000 स्क्वायर फीट तक की जो प्रॉपर्टी है, अच्छा नंबर वन ये तो आपको पता ही है केवल अर्बन एरिया में ही है, रूरल एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, अर्बन एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है वो इससे बाहर है। तीसरा, जो 1000 स्क्वायर फीट तक का जिसके पास अपना मकान है वो इससे बाहर है। लगभग एक तिहाई से ज़्यादा जो हमारे हैं वो इससे ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं। फोर्थ पार्ट इसका जो आप देखोगे, अगर मान लो आपको किसी प्रॉपर्टी के लिए 100 रुपये देना होता है श्रीनगर म्यूनसिपल काउंसिल में, जैसे कॉरपोरेशन में, तो आपको जो काउंसिल में है वो 75 रुपये होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कमेटी होगा तो केवल 50 रुपये होगा। तो जितना एक आदमी दूर दराज एरिया में रहता है, जो बेचारा अभी गरीब है अपना मकान बनाया है, तो वो उसमें ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है, 1000 स्क्वायर फीट तक ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है। उसके बाद इसको प्रोग्रेसिवली उसमें बढ़ाया गया है, इसके फैक्टर्स है, कैलकुलेशंस है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इसको एक बार देखोगे तो आपके दिमाग से अपने आप ये मिथ्य दूर हो जाएगी। किसी को लगता होगा पता नहीं 6000 ले लेगा, 10000 ले लेगा, 15000 ले लेंगे और हर महीने ले लेंगे, ऐसा नहीं है, साल में है। जेएनके में सबसे लास्ट में लगाया जा रहा है पैसा, लोगों के तुरंत उनके इस्तेमाल के लिए उन्हीं की कमेटी के हाथ में रहेगा। जो काउंसलर रहेगा जिस एरिया से, एक बार कमेटी में पैसा आएगा तो वो उतना ही उससे अच्छा काम कर सकता है। और जो हमारे रेट हैं वो पूरे देश में सबसे कम है। उसका स्लैब आप लोगों के माध्यम से न्यूज़पेपर्स में भी दिखाया गया था कि कितना है। अगर मैं इसमें सिर्फ श्रीनगर कॉरपोरेशन, इसमें क्योंकि कुछ एरिया आप जानते हैं श्रीनगर में भी कुछ पॉश एरिया है, किसी के सर्कल रेट बहुत हाई होते हैं, किसी के सर्कल रेट बहुत कम होते हैं। तो एक रेजिडेंशियल एरिया जो है मान लो 1500 स्क्वायर फीट तक है, तो वो 100 रुपये से लेके 1150 रुपये तक जाता है, मतलब मैक्सिमम अगर किसी का सर्कल रेट है। इसका जितना आपका बनता है उसके लिए एक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया जा रहा है, जो वेबसाइट पे दिखा दिया जाएगा, जिससे आप लोग भी खुद एक बार इसे देख सकते हैं। तो है ना, उसको कर दिया है। बाकी इसके बारे में ये आप लोग जो बताना चाहें और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि सर ने एक बड़ी इसको सरल तरीके से समझाया है कि किस तरीके से जो प्रॉपर्टी टैक्स जो अभी 21 तारीख को नोटिफाई हुआ है जेएनके में, इसको लागू किया गया। दो तीन पॉइंट सर, आई मे बी देयर विल बी अ बिट ऑफ रिपीटेशन आल्सो। सबसे पहले कि जब हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स, ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स इसलिए है क्योंकि ये गरीब पे कम और जिस तरीके की इनकम होती है, जिस तरीके की एसेट्स इंसान के पास होती है, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। हमारे जनरली जब हम बेसिक टैक्सेस की बात करते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे हम GST देते हैं या सेल्स टैक्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन है, ये पेन अगर 20 रुपये का है, इसमें अगर 2 रुपये का टैक्स है, ये 2 रुपये गरीब को भी देने पड़ते हैं, ये 2 रुपये अमीर को भी देने पड़ते हैं, ये 2 रुपये किसी मिडिल इनकम वाले बंदे को भी देने पड़ते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स जनरली रिग्रेसिव, इसको प्रोग्रेसिव नहीं माना जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। डायरेक्ट टैक्स में एक जो सिंपल एग्जांपल हम जानते हैं, दैट इज इनकम टैक्स, कि जितनी इनकम बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में टैक्स देना पड़ता है। इनकम स्लैब कम है, इंसान की गरीब आदमी है, उसको वो टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसी तरह से जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है और प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि जिसकी कम एसेट्स हैं, जिसकी कम प्रॉपर्टी है, वो या तो एग्जम्प्टेड होता है या बहुत कम रेट होती है। और जो ही आपकी जो एसेट्स का साइज, एसेट्स का क्वांटम बढ़ता है, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है। इसलिए ये प्रोग्रेसिव होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी इसको माना जाता है, कि जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, देश में बड़े एसेट वाले जो हमारे होल्डर्स होते हैं, उनका टैक्स गरीब के लिए, उस गरीब के आसपास की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। सो दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट जो सर ने भी अच्छे से समझाया है। दूसरा पॉइंट जो बहुत अहम है वो ये अहम है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई GST अभी इकट्ठा होता है तो ये कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है। फिर वहां से
थ्रू फाइनेंशियल, जो जिस तरीके से बजटिंग होती है, फाइनेंशियल बिल्स होती है, उसके हिसाब से एलोकेट होता है। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स अर्बन लोकल बॉडी अपने एरिया में खुद इकट्ठा करती है और इसके बाद इसको खर्चा करने का भी अधिकार उसी अर्बन लोकल बॉडी को होता है। इसका मतलब श्रीनगर में जो भी इकट्ठा होगा वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ही अकाउंट में जाएगा और इसका खर्चा, इसको किस तरीके से खर्च करना है, इसको किस तरीके से जो है स्पेंड करना है, कौन सी डेवलपमेंट कामों में करना है, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ओनली। इसी तरीके से छोटी कोई म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कमिटी है, वहां पे जो इसमें कलेक्ट होता है दैट वुड अगेन, इट विल नॉट गो टू गवर्नमेंट, ये यूटी गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, ना ही एक यूएलबी से दूसरे यूएलबी में जाएगा। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी टैक्स श्रीनगर में इकट्ठा होगा ये जम्मू में स्पेंड नहीं होगा, ये अनंतनाग की म्युनिसिपल कमिटी में स्पेंड नहीं होगा। इसी तरीके से जो अनंतनाग म्युनिसिपल टाउन में म्युनिसिपल कमिटी जो इकट्ठा करेगी, म्युनिसिपल काउंसिल जो इकट्ठा करेगी, वो सिर्फ अनंतनाग में ही खर्चा होगा। इससे क्या होता है कि लोकल जो म्युनिसिपल बॉडीज होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, उनका रिसोर्स बढ़ता है और इन्हीं कामों से, इन्हीं इसी पैसे से फिर वो लोकली अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। अभी अगर हम श्रीनगर की बात करें, हम लोग हार्डली 10-12% अपने खर्चे को इकट्ठा कर पाते हैं थ्रू आर रिसोर्सेज, थ्रू आर डिफरेंट मीन्स। बट जब खर्चे की बात करते हैं, चाहे हमें सैनिटेशन की बात हो, सैनिटेशन वर्कर्स को लगाने की बात हो, गाड़ियों को लगाने की बात हो, ब्रूम्स की बात हो, यूनिफॉर्म की बात हो, इसी तरीके से विंटर में स्नो क्लियर करना है, स्नो क्लियरेंस के मशीनरी की का खर्चा हो, फ्यूल का खर्चा हो, हमारे स्टाफ का खर्चा हो, कहीं ड्रेन्स बनानी है, कहीं इस समय हम लोगों ने रिसेंटली श्रीनगर में ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया था सर, लगभग हमारे यहाँ अभी 1000 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क है और 1500-1600 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क की और ज़रूरत है सर। पिछले साल जो 74th अमेंडमेंट में हमारे यहाँ जो है श्रीनगर के रोड्स ट्रांसफ़र हुए हैं, लगभग हमारे पास 2200 किलोमीटर ऐसे रोड्स हैं जिन पे मैक्टमाइज करने की ज़रूरत होती है, जिनको जिनको जो मोटरेबल ज़रूरत है। पूरे अगर हम गलियों की बात करें, लगभग हमारे पास 7000-7500 लेन्स बाई लेन्स है शहर में। तो जो ये पैसा है, जो भी ये रिसोर्स है, ये इसी काम में, इसी पब्लिक सर्विस के लिए यूज़ होगा। बाकी भी अक्रॉस द कंट्री जितनी भी म्युनिसिपल बॉडीज हैं, चाहे बड़े को अगर हम बीएमसी या अहमदाबाद या बैंगलोर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी छोटे, जो छोटी छोटी या हमारी जो लेवल की या हमारे टाइप की इकोनॉमिकली या जियोग्राफिकली जो हमारी इक्वली सिमिलरली प्लेस सिटीज़ हैं या टाउन्स हैं, वहाँ पर भी सबसे बड़ा मेजर जो एक इनकम का सोर्स होता है वो ये प्रॉपर्टी टैक्स होता है। और एक जो बहुत अहम जो J&K में जो प्रॉपर्टी टैक्स नोटिफाई हुआ है, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि जो एक मॉडल है, इट्स अ वेरी सिंपल मॉडल, दूसरा इसमें जो रेट्स लगाई गई हैं वो बेहद ही कम रेट्स हैं, काफ़ी लो रेट्स पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे सर ने भी अभी बताया, इसमें जो हमारे गरीब तबका होता है जिसमें अक्सर 1000 स्क्वायर फीट से कम जो एरिया होता है उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके बाद चाहे 1000 से 1500 है, 1500 से 2000 है, उन सब की भी स्लैब्स बनाई गई है। स्लैब्स इस तरीके से बनाई गई है कि वो मॉडरेटली इंक्रीज होता है, एकदम से जंप नहीं करता है। दूसरा, जब हम ये इनफैक्ट आज जो हमने ये मीटिंग रखी थी, इसीलिए रखी थी कि हमने एक डिटेल प्रेजेंटेशन भी बना के रखी है कि ताकि हम सबको उनके साथ डिस्कस भी करें किस तरीके से कैलकुलेट करना है, कितना आसान है कैलकुलेट करना। और कोई कहता है कि जी मेरा 5 लाख लग रहा है, 4 लाख लग रहा है, जो कि सही बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों ने आज पेन और पेपर भी सर यहाँ पे रखे हुए हैं कि इसके बाद वी विल डू दिस एक्सरसाइज, जैसे हम लोग 8th-9th में मैथ का क्वेश्चन करते थे, इसी तरीके से ये करेंगे कि ये जो हमारा कैलकुलेट जब हम करते हैं जो जो ये प्रॉपर्टी टैक्स है, जिससे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन से एक वैल्यू आता है जिसको हम टैक्सेबल एनुअल वैल्यू कहते हैं, उस टैक्सेबल एनुअल वैल्यू का 5% रेजिडेंशियल पे है और 6% जो नॉन रेजिडेंशियल पे है। कैलकुलेट करने की प्रोसेस भी बड़ी सिंपल है। इसका एक बेसिक वैल्यू जिसके जिस पे एंकर किया गया है वो हमारी सर्कल रेट है। सर्कल रेट जो हर साल जो नोटिफाई होती है हर डिस्ट्रिक्ट में, बहुत कमर्शियल रेजिडेंशियल के बेसिस पे, उस सर्कल रेट से या उस स्टैम्प ड्यूटी रेट से हम एक लैंड वैल्यू फैक्टर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह का 60 लाख रुपए है सर्कल रेट, उसमें से हम लेते हैं लैंड वैल्यू फैक्टर। किसी जगह पे अगर 1 करोड़ है सर्कल रेट, तो हम 10 ले लेते हैं लैंड वैल्यू फैक्टर। किसी जगह पे अगर
5 लाख है सर्कल रेट, तो 0.5 इज द लैंड वैल्यू फैक्टर जो हम लेते हैं, उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग फैक्टर से, जिसमें एक यूजेज फैक्टर है, ये रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, किस तरीके का कमर्शियल है, ये इसका एज फैक्टर एक और फैक्टर है कि जितनी पुरानी बिल्डिंग है उतना उस पर कम जो है टैक्स लगता है, उस तरीके से वो फैक्टर रखा गया है। एक फ्लोर फैक्टर रखा गया है कि फ्लोर वाइज किस तरीके से, जैसे फ्लोर फैक्टर अगर कमर्शियल में ग्राउंड फ्लोर पे 1 लगता है, हमारे फर्स्ट फ्लोर पे 0.9 लगता है, सेकंड फ्लोर पे 0.8 लगता है, जितना ऊपर के फ्लोर्स होते हैं उनमें ये रेट ऑटोमेटिकली और कम चली जाती है। एज के बेसिस पे जैसे अभी बता दिया, एक और फैक्टर है कंस्ट्रक्शन टाइप का फैक्टर, कि अगर एक RCC स्ट्रक्चर है तो उस पर मैक्सिमम फैक्टर 1 है, अगर नॉर्मल हमारा लोड बेयरिंग दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पर कम है, कच्चा है तो और भी कम उस पर लगता है। तो बड़े सिंपल आसान तरीके से आसान मॉडल के साथ ये बनाया गया है। बेसिक ऑब्जेक्टिव आज इस प्रोग्राम में हम लोग एक डिस्कशन में डिटेल में ये चीज़ समझाएंगे कि, और वन थिंग दैट वी वांट टू डू इज हम हमारे सभी साथियों को आज एक पेन और पेपर भी देना चाह रहे हैं ताकि वो खुद कैलकुलेट करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अफवाहें फैलाते हैं कि बड़ा एकदम से दिस इज समथिंग डिस्प्रोपोर्शनल, वो चीज़ तभी खंडित हो जाती है जब आप खुद कैलकुलेट करते हैं। हम लोग कल जैसे दो तीन एग्जाम्पल में देना चाहूंगा, यहाँ लाल चौक हमारा सबसे प्राइम एरिया है, अगर लाल चौक में आपकी लगभग 300 स्क्वायर फीट की दुकान है, जो अच्छी खासी दुकान है, उसका साल का ये लगभग 2200-2300 रुपए बनता है, समथिंग अराउंड दैट। इसी तरीके से अगर आपका राजबाग में है, एक कनाल की ये है, तो उस पर भी आप देख सकते हैं 2000-2500 इसी के अराउंड ये बनता है। ये सभी कैलकुलेशन भी हमने जो है अपने रखी भी है, इस समय हम लोगों ने ट्विटर हैंडल वगैरह पे भी एक बेसिक कैलकुलेटर भी शेयर किया है, जिसमें आप अपनी अपनी ये डेटा डाल के खुद देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स कितना बनता है, बहुत ही कम जो है अमाउंट ये बनता है। इसमें सभी प्रोविजंस रखी गई हैं जिससे ये ज़्यादा प्रोग्रेसिव बने। इसमें ये भी है कि अगर टाइमली पे किया जाता है तो उसमें 10% का एग्जम्पशन भी होता है। सो कुल मिलाके आई थिंक इन कंक्लूजन बिफोर वी प्रोसीड फॉर द फर्दर प्रोग्राम वी वांट टू ड्राइव दिस पॉइंट कि किसी भी तरीके से अफवाहों का, किसी भी तरीके से जो अनसबस्टेंशिएटेड क्लेम्स पे उनपे जो है बिलीव करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ये SOB पढ़ सकते हैं, इसके साथ जो एलेक्चर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं खुद, जहाँ अपने घर का भी, अपने प्रॉपर्टीज का भी, जहाँ पे भी आप रहते हैं आप खुद अपना कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आप ये खुद ही समझ पाएंगे कि ये किसी भी तरीके से इट इज़ नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट, इट इज ओनली समथिंग जो बिल्कुल एक प्रोग्रेसिव और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इससे जो भी रिसोर्स, जो भी इसमें व्हाटएवर कलेक्शन हैपन्स, जो भी इसमें से फंड्स इकट्ठा होंगे, दोज विल बी यूज बाई द लोकल बॉडी फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विसेज फॉर इट्स सिटीजंस।